अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मुल्तान से कराची का हमारा सफ़र जारी है आदिल शाह कोच में। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं, हम रानीपुर से गुज़र रहे हैं। मुल्तान से हम शाम 7:30 बजे निकले थे और मुल्तान से निकले हुए हमें पूरे 6 घंटे हो चुके हैं। किराए की बात करते चले तो 3300 रुपये मैंने मुल्तान से कराची का किराया पे किया है। टाइमिंग की बात करते चले तो 2 टाइम मुल्तान से कराची निकलते हैं। पहला 5 बजे बरास्ता मुजफ्फरगढ़ अलीपुर, दूसरा 7:30 बजे बरास्ता मोटरवे नाक्शा। मुल्तान में विहाड़ी चौक पर आदिल शाह का अड्डा है। विहाड़ी चौक जनरल बस स्टैंड, स्टैंड नंबर 16 है, वहाँ से गाड़ी निकलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा।
हम मोरो क्रॉस कर चुके हैं और अफरीदी मूवर्स की जो गाड़ी आपने देखी थी हमारे आगे कंडियारों से मोरो तक तकरीबन आगे आगे चलती रही। हमारे ड्राइवर ने उसको क्रॉस नहीं किया, उसके पीछे पीछे ही चलता रहा। नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, आप सामने देख सकते हैं तकरीबन 100 के आसपास स्पीड होगी। अभी सामने हमारे 4 स्टार एक्सप्रेस जा रही है। 4 स्टार एक्सप्रेस ये मेरे ख्याल में मियांवाली से ऊपर की साइड तलागंग या मुल्तान टम्मन या मुल्तान खुर्द उस साइड से कहीं से आ रही है। अब देखते हैं इसके साथ हमारा कैसा मुकाबला रहता है। काफ़ी आराम से जा रही है, मेरे ख्याल में 80 की स्पीड पे जा रही होगी। गाड़ियों के से आगे लाइन भी है, तो अब देखते हैं कि ये उसके पीछे पीछे चलता ही रहता है या ओवरटेक करता है। मोटरवे पर इसने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, लेकिन अब काफ़ी आराम आराम से जा रहा है। सामने कोई गाड़ी आती है तो बस उसके पीछे पीछे ही चलता रहता है, इधर उधर से ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि जब आपके पास ओवरटेक का मौका भी है और आप उसी स्पीड में रहते हुए ओवरटेक कर सकते हैं तो ओवरटेक करना चाहिए या उसके पीछे पीछे चलने हैं। और इस तरह पीछे पीछे चलने में सामने ब्लाइंड स्पॉट रहता है, सामने वाले के लिए तो व्यू खुला होता है लेकिन आपके लिए ब्लाइंड होता है, आपको पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। अगर आप उससे निकल के आगे चले जाते हैं तो आपके लिए व्यू क्लियर हो जाता है, अगर उससे आगे कोई दूसरी गाड़ी ना हो। तो ये वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, इसलिए इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं और स्ट्रिप की अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आपसे, अपना ख्याल रखने की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।